आशीष जी, दो तीन नाम और, आपने पीएसयू बैंकिंग बास्केट की बात की, तो एसबीआई तो ऑब्वियसली बात है इंडेक्स का टॉप गेनर है, इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करने में भी योगदान रहा है इसका, पीएसयू बैंकिंग की तेजी का ही पूरा योगदान एसबीआई का था, साथ बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी कुछ हद तक सपोर्ट यहाँ से भी आ रहा था। क्या करें बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में कोई नाम तेजी के लिए? दोनों जैसे आपने बताया एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक, ये तीनों के चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे हैं। एसबीआई में तो मेरे ख्याल से एक सेकेंड हाफ में जो बाइंग आई उसने पूरे बैंक निफ्टी का टेक्सचर आज चेंज कर दिया था एसबीआई ने। हमें लगता है कि एसबीआई में जल्दी 530 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल पे भी पोजीशन लॉन्ग की बनाई जा सकती है। 508 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एसबीआई में बाइंग की सलाह है। सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। स्टॉक ने आज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से नवंबर के बाद के सारे हाईस को सरपास कर दिया है। हमें लगता है कि इसमें भी जल्दी 100 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, 100 एंड 102 तक के लेवल्स। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 93.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बैंक ऑफ बड़ौदा में बाइंग की जा सकती है। सिमिलरली कैन बैंक, इसका भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा दिख रहा है और सिमिलर टू बैंक ऑफ बड़ौदा के जैसा ही चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। और हमें लगता है कि 240 तक के लेवल्स कैन बैंक में भी देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 224 का, और कैन बैंक में भी बाइंग की सलाह है।